दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। पहले तो हम लोग यहाँ से केवल गुरुडोंगमार जाने वाले थे, लेकिन गोपाल जी जो हमारे साथ हमारी कार ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम चोपटा वैली और काला पत्थर जो है, जो इसी रास्ते में पड़ता है लाचुंग और गुरुडोंगमार के रास्ते में, वो भी हम आज कवर कर सकते हैं। तो ये हमें चोपटा वैली और काला पत्थर भी ले जाएंगे। तो प्लान अभी ये है, गुरुडोंगमार पहले हम नहीं जाएंगे, पहले हम चोपटा वैली जाएंगे, उसके बाद फिर हम काला पत्थर, और फिर वहाँ से गुरुडोंगमार होते हुए वापस हम लाचुंग जाएंगे। ओके, तो चलो हम अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आगे हमें कहीं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, उसके बाद हम चोपटा वैली की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके लिए अलग परमिट लगता है, तो हमें परमिट भी लेना पड़ेगा। तो आगे जो भी होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ थोड़ी देर रुक करके हमने मैगी चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब बस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट, और हम यहाँ से अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं चोपटा वैली, और आगे अभी थांगू चेक पोस्ट आने वाला है। थांगू चेक पोस्ट अभी तक नहीं आया है, इसके बाद थांगू चेक पोस्ट पड़ेगा और वहाँ से हम लोग निकलेंगे चोपटा वैली के लिए। यहाँ हमने सिंपल ब्रेकफास्ट किया था, मैगी और मोमोज वगैरह भी मिलते हैं, मोमोज तो हमने लिए नहीं, केवल मैगी खाई और चाय वगैरह पिए। हेलो एवरीवन, हेलो। सो बाकी जो भी गुरुडोंगमार जा रहे हैं और चोपटा वैली जा रहे हैं, वो सब यहाँ ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आगे की ओर। चलिए हम लोग भी चलते हैं, अंदर काफ़ी अंधेरा है। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर आगे ही निकले हैं हम लोग, और यहाँ पर थांगू चेक पोस्ट आ गया है। थांगू चेक पोस्ट में ड्राइवर परमिट वगैरह सबमिट करने के लिए गए हैं, चेक करवाने के लिए। अब एक बार परमिट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद चेक पोस्ट के हम लोग आगे निकलेंगे, और यहाँ से ही आगे चोपटा वैली का रास्ता जाएगा। चोपटा वैली और काला पत्थर देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे गुरुडोंगमार। ये काला नहीं जाएगा ना, जो काला पत्थर नहीं जाता है, उन लोगों का लाइन दूसरे होता है। अच्छा, हमारा लाइन अंदर दूसरे होता है, जैसे बाहर हाकी पैसा तो नहीं खाता है ना। हाँ हाँ, तो क्योंकि हम लोग काला पत्थर और चोपटा वैली जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा जल्दी हो गया, जल्दी हो गया, क्योंकि ये लोग भी फेवर करता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा मैं, क्योंकि पार का जगह है। अच्छा, वो लोग भी तो कुछ ले रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों परमिट हमें मिल चुका है काला पत्थर और चोपटा वैली के लिए। अब क्योंकि हम लोग चोपटा वैली और काला पत्थर भी जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लाइन डिफरेंट थी, हमारा काम जल्दी हो गया, वरना यहाँ पर परमिट की काफ़ी लंबी लाइन लगती है, और गुरुडोंगमार जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से परमिट क्लियर होने में। तो अच्छी बात यह है कि हमारा परमिट 5-10 मिनट के अंदर ही क्लियर हो गया है, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आगे काफ़ी गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर इस वक्त, काफ़ी ट्रैफिक है, और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये सारा आर्मी का पूरी बटालियन यहाँ पर है, काफ़ी बड़े बड़े कैंप्स हैं यहाँ पर आर्मी के, चारों तरफ आपको आर्मी के जवान ही दिखेंगे यहाँ पर, और थोड़े बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर जहाँ पर मैगी वगैरह और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, मेनली ये आर्मी का पूरा इलाका है, तो इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी करना वीडियोग्राफी करना भी मना है। तो मैं बाहर की तरफ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपनी अंदर कैब में ही अपने वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। थांगू चेक पोस्ट, ये ना थांगू चेक पोस्ट जहाँ से आपको परमिट लेना पड़ता है।
हांगू चेक पोस्ट से परमिट क्लियर होने के बाद हम लोग आगे निकल चुके हैं अब, और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं चोपटा वैली और काला पत्थर के लिए। अभी यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा चोपटा वैली के लिए और काला पत्थर के लिए आगे। अभी हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है काला पत्थर के लिए, जो रास्ता काला पत्थर और चोपटा वैली जाता है, यहाँ से सीधा रास्ता दूसरी तरफ का गुरुडोंगमार जाता है जहाँ पर हम बाद में जाएंगे। तो फिलहाल हम चोपटा वैली की तरफ जा रहे हैं। 2
हम लोग चोपटा वैली और काला पत्थर से होते हुए गुजर रहे हैं, और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हो इसे बोलते हैं काला पत्थर पहाड़। इसे इस काला पत्थर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पहली बात तो ये सारे पहाड़ जो हैं ये काले पत्थरों से बने हुए हैं। ये देखिए सारे जो पत्थर जो हैं इन पहाड़ों के वो सारे काले रंग के हैं, और इवन सर्दियों के टाइम में भी जब यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ जमी होती है तब भी इन पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं इन पहाड़ों की चोटियाँ तब भी बर्फ़ से नहीं जमी होती है, और वो काले पत्थर उसमें नज़र आ रहे होते हैं, इसीलिए इसे काला पत्थर कहते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप नीचे वैली देख रहे हो इस व्यू को बोलते हैं चोपटा वैली। ये जो जगह है इसको बोलते हैं चोपटा वैली। काफी सुंदर नजारा है यहाँ पर। अच्छी बात यहाँ पर है कि गाड़ियां कम है तो पोल्यूशन भी कम है, और सामने ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो
वो है काला पत्थर पहाड़ जो चोपटा वैली से पूरा नजर आता है। पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और सामने बर्फ से ढके हुए ये काले पहाड़ बहुत ही सुंदर और बेशुमार दृश्य प्रदान कर रहे हैं। बट ऊपर जब हम काला पत्थर पहाड़ के व्यू पॉइंट पे गए थे तो वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, बहुत सारी गाड़ियां वहां पर थी और जो कई सारी जो लोकल जीप्स थी दुनिया भर का पोल्यूशन फैला रही थी वहां पर। तो वहां ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर जब हम ऊपर पहाड़ के ऊपर थोड़ा वॉक कर रहे थे तो सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी और पोल्यूशन भी वहां पर काफी ज्यादा था क्योंकि वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बट यहाँ काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। तो ये देखिए नजारा, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नजारा है, यहाँ का ब्यूटीफुल प्लेस। दिस प्लेस इज कॉल्ड चोपटा वैली। अभी यहाँ पर जस्ट हम 5-10 मिनट के लिए रुके हैं इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए, इस खूबसूरती का और इन वादियों का व्यूज को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ रुके हैं। यहाँ का वेदर काफी ठंडा है, बहुत ही एक्सट्रीम प्लेस है। ऐसी जगहों में आप ज्यादा देर ठहर नहीं सकते क्योंकि ये 15,000 से ज्यादा फीट की हाइट पे है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है। अगर आप ज्यादा यहाँ पर वॉक करोगे, एक्सर्शन करोगे, फिजिकल एक्सर्शन में, तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।